वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम अकाउंटिंग फॉर मैनुफैक्चरिंग में आर्टम टू थाउजेंड एटीन के एक पास्ट एग्जाम के अटैप्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंसिस को डिस्कस करेंगे जस्ट फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्राइब एनी फोर डिफरेंसेज बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तो हमने अपनी एक लेक्चर वीडियो में प्रीवियसली नाइन डिफरेंसेस डिस्कस किए थे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हैं और आप उन नाइन में से कोई से भी फ़ोर डिफरेंसेस इसके आंसर के तौर पे मेंशन कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पर सजेस्टेड आंसर में जो फ़ाइव डिफरेंसेज लिखे गए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं और आप इन फ़ाइव के फाइव लिखने की ज़रूरत नहीं है आप इन फाइव में से भी कोई से फ़ोर कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि इन्हीं फाइव में से कोई से फ़ोर करें जो आपने नाइन पहले पढ़े हुए हैं उन नाइन में से कोई से फ़ोर भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जो डिफरेंस है पहला रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे कंपनीज एक्ट है तो इस तरह की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाई जाती है जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट की नीड्स को फोकस किया जाता है सेकंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉमेशन प्रिपेयर की जाती है उसके प्राइमरी यूजर एक्सटर्नल होते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जो उसकी प्राइमरी यूज़र है वो मैनेजमेंट है यानी इंटरनल यूज़ के लिए बनाई जाती है थर्ड टाइम फ्रेम की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के मुताबिक जो लॉ ने डिफाइन किया हुआ होता है उसके मुताबिक बनानी होती है जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो आपका मोस्टली कंपनीज का जो ईयर एंड है वो जून थर्टी को हो हो रहा है तो वो टैक्स लॉ ने डिफाइन किया हुआ है कि जी आपका टैक्स ईयर क्या होगा फिर वही सेम फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है और फिर उसके बाद कंपनी दैक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपने वन ट्वेंटी डेज़ के अंदर ई जी एम करनी है और उसके अंदर अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है तो जो टाइम फ्रेम है वो स्पेसिफाई uh, हो रहा होता है बाई लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन का टाइम फ्रेम है वो मैनेजमेंट डिफाइन करती है मैनेजमेंट कहती है कि हमें वन uh, डे के अंदर रिपोर्ट चाहिए तो वन डे में आपको बनानी पड़ेगी वीकली वीक week के अंदर चाहिए तो जो टाइम फ्रेम वो डिफ़ाइन करेंगे वो फॉलो होगा एक्टिविटीज़ की बात करें जो इन अकाउंटिंग में करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने पर होता है जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम एक्टिविटीज़ जो कि डिटेल इंफॉमेसन है कॉस्ट की रेवेन्यू की प्रॉफिट की हर प्रोडक्ट के हिसाब से हर ऑपरेशन के हिसाब से हर एक्टिविटी के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं देन टॉकिंग अबाउट कन्वेंशन तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस यूज़ किया जाता है एज अ कन्वेंशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी हम जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बेस पर होती है पास्ट डाटा की बेस पर होती है uh, जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है इसके मुकाबले में वो हिस्टोरिकल इंफॉमेशन तो प्रोवाइड कर रहा होता है लेकिन साथ के साथ उसका फोकस जो है वो फोरकास्टिंग यानी फॉरवर्ड लुकिंग इफॉर्मेशन या फ्यूचर की इंफॉमेसन की तरफ भी होता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अल्टीमेटली मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को फोकस कर रहा होता है दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे